वेलकम बैक व्यूअर्स, आज बात हो रही है नेचुरल डिजास्टर्स पे. पहले हम बात कर रहे थे जो हमारे मुल्क में हादसे एकदम से हो जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट के टारगेट किलिंग, और इन पर हम बात करते हैं. अमित चनॉय मेरे साथ थे, उनसे हमने काफ़ी डिटेल में इस पर बात की और उन्होंने कहा कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं और जो परसों हुआ वो एक इसकी मिसाल है कि हमने सिक्योरिटी इतनी अलर्ट कर दी है और इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है थोड़ा सा सिक्योरिटी को, पुलिस को, हमारी पूरी पुलिस फोर्स को, कि इतना बड़ा डिज़ास्टर होने से बचा लिया गया जो कि बहुत बड़ा हो सकता था. उसके अलावा सैलाब पे बात हो रही है, सैलाब ज़दगान बेचारे जो पिछले साल से लोग इस कंपैरेटिवली जो पिछला सैलाब आया था उससे काफ़ी हद तक इस दफ़ा जो है वो नहीं इतना काम हो रहा. और अभी आपने पैकेज भी देखा कि लोग बेचारे अभी तक इंतज़ार करें कि उनको कोई हेल्प मिले या ऐसा कोई काम हो. उसके हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आफिया सलाम, जर्नलिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम आफिया, कैसे हैं आप? और मेरे साथ हैं कैप्टन रिटायर्ड शाहिद हसन. अस्सलाम वालेकुम जी. और इन दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया है सैलाब ज़दगान के लिए, और बाकी बातें मैं इनसे पूछती हूँ. आफिया, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपका प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ है और एक एडवर्टाइजिंग भी कर चुकी हैं आप, फिर उसके साथ साथ आपने फ्लड विक्टिम्स के लिए पिछले साल से काम करी है, थोड़ा प्लीज़ उसके बारे में. अच्छा, बहुत ज़्यादा काम करने का तो मैं क्लेम नहीं करूँगी. पिछले साल फ्लड जब ख़त्म हो चुके थे तो तब मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन से आई थिंक आप इस चीज इतनी अच्छी चीज़ में थोड़ा सा भी करें वो बहुत ज़्यादा. अच्छा, चले ठीक है. फ्लड्स का ये है कि पिछले साल तो वाकई फ्लड्स थे जी, वो बाकायदा दरिया में पानी आया था, नीचे तक आया था, उनको तो टेक्निकली हम फ्लड्स कह सकते हैं. इस साल जो सिंध में हुआ है वो उस तरह से टेक्निकली फ्लड्स नहीं कहलाएंगे. अच्छा। वो रिवर की वजह से डिजास्टर नहीं हुआ था, रेन डिजास्टर था. रेन बहुत ज़्यादा हुई और जो हमारे वहाँ पे उसकी ड्रेन सी कैपेसिटी थी वो इतनी नहीं थी कि वो कोप कर सकती उतने पानी को, और वो ओवरफ्लो हुए, कई जगह पर ब्रीचेज हुई, उस वजह से वो तमाम जो इलाके हैं वो इनंडेट हुए. वो डिज़ास्टर उस नौत का था. अब वहाँ पे कुछ तो इलाके वो थे जो पिछले साल भी हिट हुए थे, तो ये एक तरह से डबल जेपर्डी हो गई उन लोगों के लिए कि वो डिस्प्लेस हुए थे वहाँ से, अभी पूरी तरह से उन्होंने अपनी सेटल ही नहीं हुए थे, तो एक और डिजास्टर. या कुछ वो लोग जो अभी आहिस्ता से आहिस्ता दोबारा अपनी जिंदगी को नॉर्मलाइज कर रहे थे, घर बनाने शुरू किए थे, खेती बाड़ी थी, स्टैंडिंग क्रॉप से उनके उनके उम्मीद थी कि अब इस साल कुछ बेहतर होगा, उनके यहाँ वो तबाही फिर गई. दूसरा जो ज़िला है बदीन वगैरह, जहाँ पिछली दफ़ा प्रॉब्लम नहीं थी, इस दफ़ा वो बिल्कुल टोटली तबाह हो गया. तो इट वाज़ हार्ट ब्रेकिंग के जब हम वहाँ से गुजर के जा रहे थे, उनके स्टैंडिंग क्रॉप्स के बिल्कुल टिप्स नज़र आ रहे थे, बिल्कुल तैयार था सब, लोग बेचारे उनको समझ में नहीं आ रही थी कि कहाँ जाएँ, क्योंकि पानी निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था. मैं तो शुरू के दिनों में गई थी, कैप्टन शाह तो अभी रिसेंटली भी जाते रहे हैं, तो प्रॉब्ली अब क्या हालात है ये वो बेहतर बता सकेंगे. मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि शाह साहब, आपने स्वात आईडीपी के लिए भी काफ़ी काम किया, थोड़ा सा प्लीज़ बताएं. जी हम लोग, मैं तो खुद तो नहीं हूँ, हमारा एक ग्रुप है, दोस्त हैं, हम मिल के काम करते हैं. कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? अब जाके तकरीबन आई थिंक अराउंड 150 होंगे हम. अच्छा जी. कोई सारी दुनिया में फैले हुए, ठीक है, तो डोनेशंस आ जाते हैं. यहाँ पे एक छोटी टीम है जो इस शहर में ही है, फिर हम मिलके उसको काम करते हैं और उसकी रिपोर्ट विद पिक्चर्स एंड ऑल हम सबको वापस भेज देते हैं. परहैप्स वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई हुई, और अब दिस वाज द थर्ड कैंपेन जो हमने किया, फर्स्ट आईडीपीज का था, फिर फ्लड इतना बड़ा आ गया था, और उसके बाद और अब ये रेन डिजास्टर्स जो हुए. अच्छा, जैसे आफिया कह रही हैं कि बदीन में अभी फिलहाल की जो सूरत हाल है वो आप देखते हुए आए हैं. जी मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि जब हम कहते हैं कि फ्लड विक्टिम्स जी, तो ये कोई गरीब लोग नहीं है, बिल्कुल ये अच्छे खाते पीते लोग थे. सही. जिनका सडनली रात को, एक साहब के जबानी में बता रहा हूँ, उनका नाम असगर है, बदीन में होते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कहते जी रात को 3 बजे आंख खुली तो बारिश शुरू हुई और 4 बजे तक घर में घुटने घुटने पानी खड़ा था. तो ऐसे वाकये से आप सोचें कि जो ना तैयारी कर पाया, अंधेरे का वक्त, क्या कर सकते हैं, जिसका अनाज रखा था वो बह गया, सब कुछ तो सब चीज़ चली गई, और अच्छे खाते पीते लोग सडनली वो एक सड़क पे खड़े हुए, सड़क पे आ गए. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो साथी हैं हमारे, जो बच्चे काम करते हैं, मैं उन सबको हमेशा ये बताता हूँ कि रिलीफ और चैरिटी दोनों अलग चीज़ें, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन. जी रिलीफ अच्छे अच्छे लोगों, किसी पे किसी वक्त मुसीबत आ सकती है उसकी हेल्प है, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद चैरिटी. ठीक.
सो हम ये अपने अच्छे दोस्तों के लिए काम करते हैं बिल्कुल, और उनको हेल्प करते हैं। बिल्कुल, इसको चैरिटी का नाम तो वाकई नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। एक कॉल है हमारे साथ, सॉरी मैं आप दोनों को थोड़ा रोकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं राजा सोहेल बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर से। जी जी बोलिए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और जो आपकी गेस्ट है उन्हें सलाम देना चाहता हूँ। जी सुन लिया उन्होंने, अब आगे बोलें। जी मैं कहने को चाहता हूँ कि आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और मैं हलीमा का कजन बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कैसी है हलीमा? हलीमा ठीक है, वो स्कूल गई है। अच्छा, तो वो काफी दिन से मुझे कह रही थी कि आप भी कॉल करें। अच्छा चले, अच्छा हुआ आपने कॉल की। और कुछ कहना चाहोगे जो हमारा आज का टॉपिक है? इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। अच्छा क्यों आज नहीं बात कर सकते? जी नहीं। अच्छा चलें, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हम बात करें फ्लड्स के ऊपर, आपने कहा कि इसको चैरिटी का नाम नहीं देना चाहिए और अच्छे खासे खाते पीते लोग बेचारे जो हैं वो सड़क पे आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि हम लोग हर जगह यही सुन रहे हैं कि एक एसोसिएशन मिली, एक ऑर्गेनाइजेशन मिली, उन्होंने मिलके काम किया। अभी तक कितनी ऐसी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं और जहाँ बहुत ज़रूरत है कि हमारा गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट भी वहाँ कुछ करे? इसमें आई बिलीव के जो एक गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसकी ये बेसिक रिस्पांसिबिलिटी है, उसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, उसके अब प्रोविंशियल विंग्स भी हैं। ये उनका काम है कि वो कोऑर्डिनेट करे और ये इन्फॉर्मेशन लेके डिसेमिनेट करे हम जैसे ग्रुप्स तक जी, आप जैसे चैनल्स के थ्रू, दैट इज द बेस्ट मीडिया कि सबको पता चल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं हो रहा। देखिए कोऑर्डिनेशन का ही सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है कि जब एक डिज़ास्टर आता है तो हमारे जैसे मुल्क में क्यों एनजीओज बनी हुई हैं या क्यों इस तरह की कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं या जैसे इनके ग्रुप्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि हुकूमत की कैपेसिटी नहीं समझी जाती कि वो हर चीज़ से डील कर सके। ठीक है, जब वो नहीं डील कर सकती तो फिर कम अज़ कम वो कोऑर्डिनेशन कर सकती है। बिल्कुल कोऑर्डिनेट तो। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि इस दफ़ा जब यहाँ पे डिज़ास्टर आया है, पिछली दफ़ा यूएनडीपी को इन्वॉल्व किया गया था क्योंकि वो बहुत बड़े स्केल का डिज़ास्टर था। कोई भी मुल्क, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान की हुकूमत की नाअहली थी, वो वाकई इतने बड़े स्केल का डिज़ास्टर था कि वो अकेले इससे कोप नहीं कर सकती थी, हमारे वो रिसोर्सेज नहीं थे ना एक्सपर्ट। जी बिल्कुल। लेकिन इस मरतबा अगर शुरू में जब आपने देख लिया कि आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आपको शुरू में ही मदद लेनी चाहिए उन लोगों से जो मदद के लिए तैयार हैं, जिनकी कैपेसिटी है, जिनके पास वो फोरम है। यूनाइटेड नेशंस का एक वो ह्यूमैनिटेरियन फोरम है और यूएनओचा जिसको कहते हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन क्लस्टर है। अच्छा उसने पिछली मरतबा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस तरह से कि वो उनके डिफरेंट क्लस्टर हैं, वो हेल्थ की नीड्स असेसमेंट उनको हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन बताती थी, इस तरह से वो फिर एक पूरी मीटिंग होती थी जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती थी। अब मेरी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रिलीफ पहुंचा सकती है, खाने पीने की चीज़ें पहुंचा सकती है, तो मुझे ये पता हो कि मैं कहाँ लेके जाऊँ वो। सही। हर दफ़ा आप ये ऐसे डिजास्टर्स में सुनते हैं शिकायतें कि ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हुई है, कुछ लोगों को बहुत मिला, कुछ को बिल्कुल कुछ बिल्कुल नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। होता यही है कि जब ये ऐसा डिजास्टर आता है जैसा पिछले साल आया था, इस साल तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह होता है, सड़कें आपकी तबाह हो जाती हैं, सब कुछ। तो होता है कि जब जो लोग जा रहे होते हैं मेन रोड पर चले गए, जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं चले गए, उसके आसपास जितने लोग हैं उनको रिलीफ मिल गई, एक दफ़ा मिली, दो दफ़ा मिली, कई दफ़ा मिली, जो दूर के इलाके में लोग हैं वहाँ नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन से ये होता है कि आपके अपने दूसरे ऐसे इदारे हैं, आपके गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे हम लोगों ने जिस इदारे के साथ मैं मुंसलिक थी जिस वक्त ये डिज़ास्टर हुआ था, हम लोगों ने हेल्प की थी और बहुत से लोगों की मुखालफत के बावजूद हेल्प की थी लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। और आपके जो रेवेन्यू का स्टाफ होता है उसके पटवारी होते हैं जिसको एक एक यूसी एक एक खेत का पता होता है कि कहाँ है। ठीक है, उनसे बेहतर आपको इन्फॉर्मेशन और कोई इदारा नहीं दे सकता। आप उनसे लें, आपको ट्रस्ट नहीं है ना, आप उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए फिर जाइए आप उनके साथ खुद जाके डिलीवर करके आइए अगर आप उनके हाथ में नहीं देना चाहते। ठीक है, क्योंकि आपके डोनर्स भी हैं, वो कहेंगे नहीं जी हुकूमत को नहीं देना, हमें यकीन नहीं है, लेकिन हुकूमत से आप इन्फॉर्मेशन लें। इसी तरह अगर आपका कोऑर्डिनेशन का नेटवर्क हो तो उससे ये डिजास्टर की आपकी रिस्पांस जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत जल्दी हो सकती है। इस पे हम मजीद बात करेंगे। एक कॉल है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नई भट्टी बात कर रहा हूँ, तोलमदार रहे मैं डिस्ट्रिक्ट रेंजर काम से। जी जी बोलिए। हमने बात की थी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब।